जाग वाली कॉफी होती है, इसको पहले मतलब कॉफी डालते हैं इसमें, फिर उसके बाद चीनी, फिर हल्का सा पानी, जब तक ये हार्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इसको क्या होता है हिलाते रहना है। तो दिखाना जरा अंदर से कैसा है ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं परमंडल की साइड कैंपिंग करने के लिए, तो आपको सीधे मिलते हैं बाइक पे। वेलकम वगैरह जो भी होगा मैं वहीं पे करूंगा, क्योंकि घर पे यार बहुत शोर शराबा होता है। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। गाइस आज हम जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, बाकी टीम तो पहले चली गई है, मेरे को वहाँ पे डायरेक्टली बुलाया है। शिट, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। गाड़ी वाले ने मारा देख रहे हो गाइस। तो गाइस यार देखा आपने क्या सीन हुआ पीछे, हुआ तो वो मेरे से पहले का ही है, बट अब गलती किसकी है वो मैं भी नहीं जानता। तो गाइस बाइक वगैरह लगा दी है वहाँ पीछे, अभी हम चल रहे हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में आगे कहीं जाएंगे। तो गाइस ये अपनी जलेबी आ गई और आगे पकोड़े, कुछ शेर को खिलाएंगे, जो बचेगा हम खाएंगे। गाइस देख रहे हो इसको ठंड लग रही है, नाक कैसे चुभाया इसने देखो। और ये हमारे ड्राइवर वाले भैया, ड्राइवर वाले भैया थोड़े आराम से चलना, हमारे सामान गिर रहे हैं, हमें वैसे पता नहीं। गाइस देख रहे हो सुनसान रोड है बिल्कुल, और हम तीन, अगर रात को कोई शेर आ गया तो हम क्या करेंगे गाइस? शेर आएगा तो तुम्हें डाल देना आगे। यहाँ पे अंधेरा। तो गाइस अभी हमारी गई है फट। यहाँ का आप एरिया देखो, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सुबह सुबह आपको दिखाऊंगा, दिख रहा हूँ मैं गाइस, अभी दिखना तो मुश्किल है, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये और ये हमारा टेंट, बाकी चारों तरफ देख लो गुप्त अंधेरा छाया हुआ। ठीक है ये देखिए बाहर आ गया। ओके ओके अब इसको कितना टाइम निकाल देता है ये? निकाल लेता 2-2.5 घंटे। तो गाइज फाइनली हमारी आग भी जल गई है, बहुत मुशक्कत करने के बाद मीठी मीठी आग जल रही है, और यहाँ पे हमारा चूल्हा रेडी है, बस थोड़ी देर के बाद हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे आलू छिले जा रहे हैं। आपने छिलने, आ जाओ आप छिल लो यार, और आग भी हमारी बहुत अच्छी खासी जल रही है। तो गाइज अभी हमारे चावल बनके रेडी हो रहे हैं, धुल रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में इसको बना के रेडी करेंगे हम लोग। तो गाइज ये हमारा पुलाव बन रहा है, पुलाव की तैयारी चल रही है। प्लान तो हमारा पनीर खाने का था, लेकिन वो हम भूल गए, वो अब नेक्स्ट। गाइज हम बड़ा कुछ भूल चुके हैं आज, प्लान जो जो बनाए थे ना वो सब फेल हो चुके हैं। नमक हम भूल गए, दूध हम भूल गए, पत्ती हम भूल गए, हल्दी हम भूल गए, सब कुछ बोले। इन लोगों ने मुझे, कमीनों ने ना 2-3 बार भेजा है गाड़ी लेके, ठीक है। अब बताओ लोगों की, मैं इतनी रिक्वेस्ट करके ना उनकी दुकान के शटर खुलवाए हैं, और मुझे बोल रहे कौन इसको, पागल हो यार। इसको बोलते हैं फर्स्ट कैंपिंग का एक्सपीरियंस। तो गाइज यार लकड़ गीला है, इतनी फूक मारने के बाद भी आग नहीं जल रही है, और यहाँ पे हमारा खाना रेडी होने वाला है, मारते हैं और आग जलाते हैं। तो गाइज फाइनली आग भी जल चुकी है और खाना भी रेडी है। तो गाइज
खाना सर्व हो गया, अभी खाना खाते हैं। अभी खाने की तैयारी चल रही है, एकदम बहुत भयंकर भूख लगी। बहुत आपको कैसी भूख लगी है? यार मेरे को नॉर्मली ज्यादा नहीं है, हमें तो भयंकर वाली लगी है। तो चलो मिलते हैं भाई, हमें बड़ी मैच लाने में भाई, फूके मार मार के मार मार के बोलना नहीं। अच्छा तो भाई ये क्या कर रहे हो आप, हमें बताओगे? ये जाग वाली कॉफी होती है, इसको पहले मतलब कॉफी डालते हैं इसमें, फिर उसके बाद चीनी, फिर हल्का सा पानी, जब तक ये हार्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इसको क्या हिलाते रहना। तो दिखाना जरा अंदर से कैसा है ये। चलो ठीक है, देखने में तो यार यमी यमी लग रहा है ये तो। तो गाइज अभी ये कॉफी और जलेबी पकौड़े चल रहे हैं यहाँ पे, भाई ने शुरुआत कर ली है, स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी टाइम 1 बजने वाला है, नींद तो आ नहीं रही है और बाहर से टेंट भी हमारा गीला हो रहा है। और अभी भाई बाहर गया गाड़ी चेक करने, गाड़ी ओके है नहीं, ये भी नहीं सोया अभी तक, नींद नहीं आ रही। तो कोशिश करते हैं सोने की, मिलते हैं आपको सुबह। तो गाइस रात को हम यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए थे, रात को हमने कुछ सामान भी नहीं लाया था, ना हमारे पास वेपन था कोई, तो इतनी गंदी गंदी सी आवाज़ें आ रही थी रात को, रात में रात में सोया भी नहीं। और हमारे साथ जो एस पांड्या था, हमें रात को इतने जोर जोर से गिराते मारे थे, उन्होंने भी बेहाल कर दिया था, रात को बिल्कुल नहीं सोता है। अभी मैं आपको यहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सनराइज़ हो रहा है, देख लो कितना प्यारा लग रहा है। और ये बादल देखो क्या बात है भाई, भाई को सपोर्ट करो यार, इतनी मेहनत कर रहा है, देखो कहाँ पे बैठा हुआ है, मोर भी ऐसे ही कर रहे थे रात को। तो गाइस अभी सामान क्लोज हो गया, यहाँ से जाने की तैयारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाकी जब भी कहीं जाते हो ना, कैंपिंग करते हो, तो बस ये जो अपना कचरा पेटी है सारा, ये साफ करके जाओ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब। हम सारा क्लीन करेंगे अभी, ये सब क्लीन करके हम यहाँ से जाएंगे। तो अपना कचरा पेटी हम लेके जा रहे हैं, किसी एक लिफाफे में इकट्ठा करके इसको साथ में ले जाएंगे, ठीक है? तो गाइज अभी हम रेलवे फाटक पे खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है, उसका वेट हो रहा है, जैसे वो क्रॉस करेगी उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो थोड़ी देर में हम विजयपुर पहुँचने वाले हैं, फिर हम भाइयों का रास्ता अलग हो जाएगा, टाटा बाय बाय करेंगे इनको। तो गाइज ये अभी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, हमारी छुट्टी होने वाली है यहाँ से, जैसे ही ट्रेन निकलती है तो हम भी निकलते हैं। व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है यार। तो गाइज अभी मैं घर पे आ गया हूँ, घर पे आके मैंने क्लिप्स चेक की यार, उसमें दिक्कत आ गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सुपर व्यू एंगल से सीधे वाइड एंगल पे आ गया था, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरी देखना। मिलते हैं आपको एक नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।